What's up guys, this is राहे। यार आवाज कैसी हो रही है? हेलो, माइक की सख्त जरूरत है यार। What's up guys, this is Rai Wali from Indie Texture और ये पूरी वीडियो होने वाली है ऑडियो के बारे में है, ऑडियो इक्विपमेंट्स, बजट। जिन लड़कों के पास या लड़कियों के पास बजट नहीं होता, उनको एक बजट माइक्रोफोन चाहिए होता है। सबसे पहले ऑडियो के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। हम जब कैमरा ख़रीदते हैं, नॉर्मली जो इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं वो कैमरा, लेंस, इन चीज़ में अपना सारा बजट लगाते हैं, तो उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि जितने के आपका कैमरा वर्थ है उसकी आधी प्राइस जो है उसकी लाइट्स आनी चाहिए थी और आधी प्राइस जो है वो आपको ऑडियो पे लगानी चाहिए थी। क्योंकि ऑडियो इम्पोर्टेंस ऐसी है कि अगर मैं वीडियो को नहीं भी देख रहा और मेरे जहन में ऑडियो आए तो मेरी अटेंशन वो सीख कर लिए। इसी तरीके से एक किसी भी ड्रामा, किसी भी फिल्म, किसी भी चीज़ में जो इम्पोर्टेंस होती है ऑडियो की वो बहुत होती है। स्टार्ट करते हैं बजट। तो जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनको समझ नहीं आता कि बजट स्पेंड कहाँ करें। बहुत मतलब चार लड़कों का ग्रुप है, चार के चार कैमरा ख़रीद लेंगे। भाई एक कैमरा ख़रीदे, एक लाइट्स ले, एक जो है वो ऑडियो के ऊपर अपना काम करे, चौथा दूसरे चीज़ें करे। सबके सबसे कैमरा पकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता वीडियो के अंदर। तो अब बजट कम है और ऑडियो के लिए कम से कम आपको एक क्लियर ऑडियो के लिए, अगर मैं कैमरे से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो एक जो मेरा बजट में आया था स्टार्ट में, वो अब तक मेरे पास चल रहा है, वो है बोया का MM1। ये माइक्रोफोन होता है, आप आवाज़ सुन रहे हैं, हेलो। इसके ऊपर होता है कि ये इतना सा माइक्रोफोन होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी नहीं डालनी पड़ती है। अब बात करते हैं इस माइक्रोफोन के प्राइस की। तो ये आपको मिल जाता है 2,500 से 3,000 रुपये का ये माइक्रोफोन मिल जाएगा। 3.5 mm की इसके अंदर जैक लगता है जो डायरेक्ट कैमरे में इनपुट होता है। मैंने अपनी एक पूरी शॉर्ट फिल्म इस माइक को मोनोपॉड पे लगाया और उसको मैं आपको डेमो दिखाऊंगा मैंने किस तरीके से रिकॉर्ड करा डायरेक्ट कैमरे में। जो 3.5 mm की केबल आती है वो केबल कुछ होती है इस तरह की, सॉरी केबल द्वारा की गया कहाँ केबल होती है कुछ इस तरह की। इसके ऊपर ये होता है 3.5 mm का जैक, इसको जो है वो कनेक्शन मिलता है यहाँ से। दूसरी वायर लंबी करते करते इसको लंबा लेके चले जाओ, तो मैं एक लड़का होता था वो मोनोपॉड पकड़ता था, एक लड़का होता था जो कैमरा यूज़ कर रहा होगा वे साइड पे खड़ा हुआ होता था। तो इस तरीके से मैंने पूरी एक शॉर्ट फिल्म निकाल दी थी सिर्फ इस माइक के ऊपर, एक मोनोपॉड और ये मोनोपॉड 1,500 रुपये का 1,500 रुपये का, ये माइक्रोफोन और उसके अंदर वायर। सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है वायरलेस लेवलियर माइक, शायद देख सकते हैं आप। सो बेसिकली इसके पैक के अंदर जो आता है वो सबसे पहले तो ये पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद इसमें आपको मिलते हैं एक रिसीवर जो आप ये देख सकते हैं। इस रिसीवर के साइड पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑफ ऑन और इसका लो कट फिल्टर। पीछे ये क्या कहते हैं रिसीवर जो है वो कैमरे के ऊपर लगाने के लिए होता है, डायरेक्ट इनपुट देने के लिए। 3.5 mm का जैक होता है, ऑडियो इसके ऊपर आप खुद सुन भी सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम गेन वगैरह ये ऑडियो सुनने के टाइम का होता है। ये एक छोटा सा रिसीवर होता है, इसके साथ आता है इसका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में जो लगा हुआ होता है वो लेवलियर माइक। अब आप ये लेवलियर माइक देख सकते हैं, ये होता है कॉलर माइक भी इसको बोलते हैं। कॉलर माइक एक बहुत हल्की क्वालिटी का कॉलर माइक है, इससे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी का मिल गया, ये एक हल्की क्वालिटी का कॉलर माइक है। सिंपल इसको लो कट फिल्टर पे यूज़ करें सबसे अच्छा है। कैमरे का वॉल्यूम सबसे लो पे करते हैं, बिल्कुल लो जो आपके पास है, मतलब बिल्कुल लो, जीरो से पहला वन, सोनी है जीरो से पहले वन, और इस तरीके से ही सारा आप कर लें। ये मिल जाएगा 7,500 रुपये से 7,000 रुपये तक का बोया का WM5। आपका भाई था शातिर। मैंने जुगाड़ ये लगाई कि मेरे पास एक शॉटगन माइक तो है जो मैंने अभी आपको दिखाया, अब उसके अंदर मैंने लगाया जो ये लेवलियर माइक का एक ऑप्शन होता है, ये लेव माइक की जगह मैंने लगाया
इसका ये 3.5 mm ये जो मेरे पास माइक रखा हुआ है, ये इसको इसमें लगाया, रिसीवर लगाया कैमरे में, और बंदे को जो मतलब कैमरा वहाँ पे रखा हुआ है, एक लड़के को खड़ा कर दिया, यार तुम रिसीवर जो है वो मोनोपॉड पे बांध दो, कैमरे माइक उस पर लगाओ और तुम साइड पे जाके दूर से कहीं से कैप्चर कर लो। तो ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। अभी जो टोटल ये इक्विपमेंट मोनोपॉड, शॉटगन और लेव माइक, ये जो कॉम्बो मुझे पड़ा है कम से कम 10,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि ऑडियो पे जो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, एसी ऑफ है, पंखा ऑफ है, गर्मी बहुत है, लाइट चल रही है मुंह पे ऊपर, तो पसीना बहुत आ रहा है। खैर, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो कैमरे के बिल्ट इन माइक की है। हेलो 1 2 3, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के MMM माइक की है। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब जो आवाज़ सुन रहे हैं आप वो बोया के WM5 के लेवेलियर माइक से है, जो इसके साथ आता है। हो सकता है ऑडियो में आपको ग्लिचेस भी आएँ क्योंकि इसकी जो लेव माइक है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये इसका लेव है। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ये थोड़ी सी मेरी एक वीडियो इस बारे में थोड़ी लंबी हो गई हो तो माफ़ करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अलाउ। लाइट बंद हो गई थी, अल्लाह हाफिज़।